महकमा हेल्थ बहावन नगर के हवाले से अच्छी खबर। जिला बहावन नगर का शुमार कारकर्दगी के लिहाज से पहली बार पंजाब के टॉप 10 असला में होगा। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं भावल नगर से हमारे नुमाइंदा कासिम अली शेख। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जब बिल्कुल महकमा हेल्थ के हवाले से जिला बहावल नगर के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आ गई है और महकमा हेल्थ की जानब से जो पंजाब की कारकर्दगी के लिहाज से इजला की जो है वो रैंकिंग जारी की है और जिसमें जो है जिला बहावल नगर का शुमार जो है वो पंजाब के टॉप 10 अजला में जो होने लगा है, ये एक पहली बार हुआ है और ये जो है बड़ी खबर है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद नईम अता साहब, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी खबर सामने आई है और जिला बहावल नगर का शुमार पहली बार वो टॉप 10 अजला में होने लगा है, क्या कहते हैं इस पे? जी सबसे पहले तो मैं जो अपनी टीम है हेल्थ की उसको मुबारकबाद कहूंगा कि ये तमाम का जो सिर है वो मेरी जो टीम उनके सर पे है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम मिली है और हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिकेटर के हिसाब से हम बहावल नगर को इससे भी पहली जो पोजीशन है उस पर देखना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो हमारे इंडिकेटर हैं आप देख लें कि वैक्सीनेशन का बड़ा अच्छा प्रोसेस DHQ में, राइस रिसर्च सेंटर में, इसी तरह डॉक्टर्स की तैनाती, फिर क्लीनलीनेस का अमल और हमारी जो बी है जो RSE लेवल पे मेडिसिन की सप्लाई है वो हमारी तकरीबन 100% आई है। तो ये बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जिन पे मेरी पूरी टीम ने कोशिश की है और इसका सेहरा जो है ना तमाम का तमाम मेरी टीम पे है, मैं उनको मुबारकबाद कहता हूँ। क्योंकि बिल्कुल ये थे CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद नईम अता साहब जो कि बता रहे थे कि ये कारकर्दगी जो है वो पूरे ज़िला बहावनगर की जो महकमा हेल्थ की टीम है उनकी वजह से है और मज़ीद भी जो है वो इनमें बेहतरी लाएगी और बहावनगर का शुमार जो है कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है वो टॉप 3 में जो है वो आ जाए। तो इस तरह जो है एक बड़ी खबर सामने आई और बहावनगर का शुमार जो है कारकर्दगी के लिहाज से जो महकमा हेल्थ के टॉप 10 अजला में जो है वो होने लगा है। जी तफसीलात का बहुत शुक्रिया।